बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी, दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था, जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रहे हो क्या दोनों? अच्छा है। बाज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसको टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भैया, तुम्हें करना क्या है, हम कहीं भी जाएं, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, न कहीं आते न कहीं जाते, तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही तो करना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, पर तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया, मेरे स्वामी न जाने किस पेड़ से तोड़कर ये सेब लाए हैं, इसका तो स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी, क्या खा रही हो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इस बाज की नजर तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है, इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ, हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है, वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताजा नहीं बनाया क्या? जो है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो राम राम। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो, और तुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो, आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा नहीं सकते, बस इसी पेड़ पर तुम्हारे दिन बीतते हैं, जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते हैं, और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं, जो मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़वी बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था, वो उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वह अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कह पाता। हे परमात्मा, तुमने अगर मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया, मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता, मैं अब एक बोझ बन गया हूँ, यहाँ इस पेड़ पर वैसे ही कोई पक्षी रहने को नहीं आता, और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा, आपने मुझे दो सही पर क्यों नहीं दिए, काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता और मन चाह खाना खा सकता, कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था, तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेड़ से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा, बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया दो अंडे देती है, चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है, तो चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम वैसे तो किसी काम के नहीं हो, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा कर लेकर आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को लेकर जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी मेरी है।
दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, तो चिड़िया ने दो अंडे दिए हैं। अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। पर ये बास तो यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे, ये बास क्या कर लेगा? हाँ, इसके तो पर ही काम नहीं करते। इसके ऊपर अपने अंडों को चिड़िया छोड़ कर गई है। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पर रुक जा सांप। खबरदार जो तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों के अंडों को खाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़ियों के अंडों के पास पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। हाँ। अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? सांप बाज की फिक्र किए बिना पेड़ पर चढ़ जाता है। पर जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचता है तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी तेज दबोचता है कि वह अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में चिड़ा और चिड़िया वहां आ जाते हैं। ये सांप यहां कैसे आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? चिड़िया, अपने अंडों को संभालो। मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडों को खाने आया है। चिड़ा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है। सांप घायल होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। बाज भैया, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो न जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही। और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़कर मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा चिड़िया दोनों बाज का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।